नमस्कार, मैं किसान का बेटा काना धनगर आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एहतमादपुर विधानसभा 86 श्री केदार सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी को एहतमादपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे आगरा में आगे ले जाने में इनकी अहम भूमिका है। कहा जाए तो वरिष्ठ नेता के साथ में इनको वरिष्ठ पदवी के साथ भी नवाया जाता है, इनकी एक अलग पहचान है। समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं केदार सिंह चौहान, ग्राम पोस्ट चौपड़ा आमलहेड़ा, विधानसभा एहतमादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने शुरू से हमेशा राजनीति किसानों की 10 साल किसान यूनियन में रहा, 25 वर्ष लगातार राष्ट्रीय लोकदल में वरिष्ठ पदों पर, जिला अध्यक्ष 12 साल, बाकी मंडल अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव पदों पर रहने के बाद 17 फरवरी 2017 को माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उनके साथ में शामिल हुआ। यहाँ से मुझे लेके शिव कुमार राठौर पूर्व मंत्री लेके गए और मैं वहाँ पे जाके लखनऊ में इस पार्टी में 2017 से शामिल हूँ और पार्टी में आज भी कार्य कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। दादाजी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपने कहा कि मैं भारतीय किसान यूनियन में 10 साल रहा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान जो देश का पालनहार है, किसान जो देश का पेट पालने वाला है, कहीं ना कहीं लगता है अभी भी किसान को वो न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो स्तर नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो किसानों के बारे में आपके क्या विचार है? किसानों के बारे में हमारा शुरू से ही विचार रहा है और मेरा विचार ये है कि सबसे पहले तो हमारी जो मूल समस्या है वो पानी की है। नहरें हमारी बिल्कुल चलती नहीं है, इस साल वर्षा बहुत कम हुई है, बिजली की स्थिति उससे भी दयनीय है। तो सबसे मूल समस्या जो पानी की है, इसकी लड़ाई हम हमेशा शुरू से आज तक लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें खास तौर पर कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये जो रजवा है हमारा, इसके अधिकारी सब जो है अलीगढ़ और हाथरस में बैठा करते हैं। जब भी हम आगरा आंदोलन किए तो उन्होंने कहा अलीगढ़ हाथरस जाओ। अलीगढ़ हाथरस जब भी गए, टाइम की वजह से लोग हमारे किसान बहुत कम जा पाते थे उधर और ये स्थिति आज तक रही कि इसका आज तक नहर चल नहीं पाई। काफी लोगों ने देखा जाए तो आपने जिस रजवे की बात की है, उस रजवे में लगातार एक साल से पानी नहीं आया है। एक रजवा जिसमें एक साल से पानी नहीं आ रहा है तो क्या समस्या हो सकती है? क्या अधिकारी इस बात को जान नहीं पा रहे हैं? क्या अधिकारियों को, क्या सरकार को इस रजवे से लगातार किसानों की फसलों की सिंचाई होती है, लगातार किसान अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, उस रजवे में एक साल से पानी नहीं आया? ये भाजपा सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये इस बात को कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है, किसानों के हितैषी। बिल्कुल, अगर ये आज हितैषी होती तो ये प्रत्यक्ष सामने, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, सारे पोखरा सूखे पड़े हैं, कुओं में पानी नहीं है, हैंडपंप लटके पड़े हैं, मतलब कहीं भी कोई व्यवस्था, आगरा में तरह तरह मचा हुआ है। रोजाना में पेपर पढ़ता हूँ, आधा शहर भूखा प्यासा है, कल फलाना शहर प्यासा, मतलब कहीं भी पानी की ऊपर मैं तो बोल रहा हूँ, इन पर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है तो किसान का ये क्या भला करेंगे? आज स्थिति देखिए, पिछली साल बाजरे के रेट क्या थे, आज क्या रेट है? किसान और मजदूर तो बहुत पीछे जा रहा है, इसके सुनने वाले तो बिल्कुल ये है ही नहीं, सिर्फ ये धोती घोषणाएं करते हैं। इनकी घोषणाओं में किसी में कोई दम नहीं है। क्राइम के ऊपर देखा जाए तो कहने की जरूरत नहीं है, पेपर भरे पड़े हैं, कितना क्राइम हो रहा है, कितने मर्डर हो रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? दादाजी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप किसान नेता भी रह चुके हैं, वरिष्ठ किसान नेता, और आप किसानों के क्षेत्र से आते हैं, एहतमादपुर विधानसभा जो आलू पैदा करने के लिए नंबर वन में जाना जाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने किसानी भी की है। 8 घंटे बिजली अगर मिले किसानों को तो उससे सिंचाई कितनी हो सकती है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। 8 घंटे बिजली का कोई मायने नहीं है, कोई भी किसान बिल्कुल सिंचाई नहीं कर पाएगा। उसका कारण बताऊं, लाइन लॉस बहुत होता है इनका,
इस बात की भी मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूँ। 8 घंटे में बहुत माने 3-4 बीघा जमीन कौन कर पाएगा भाई, किसी को 50 बीघा, किसी को 20 बीघा, 30 बीघा। हेलो, 8 घंटे से हमारा कुछ होना ही नहीं है। अरे आप 8 घंटे लाइट दे रहे हैं, हमें पूरा नैरबंबा चलाओ, कोई तो व्यवस्था आगे करो। सब व्यवस्था हमारी फेल है, पानी की वजह से ही हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारी आर्थिक स्थिति किसान की बहुत मुसीबत में है। 4 साल से आलू के पिटे पड़े हैं, इस साल कुछ रेट मिले हैं हमको। बाकी जो है आलू की स्थिति भी ये रही है कि लोगों की ज़मीनें बिक गई, बहुत बहुत घाटे में गए लंबे लंबे में, और आज स्थिति ये है कि अन्य चीज़ों के तो किसी के रेट ही नहीं है। किसानों की अगर और भी बात की जाए तो आपने देखा होगा कोरोना संकट काल चला देश के अंदर, उसमें किसानों की जो फसल है, आप लौकी ले लीजिए, तोरी ले लीजिए, बैंगन ले लीजिए, इन सब्जियों के जो दाम रहे किलो के हिसाब से वो 1-2 रुपए किलो रहे। क्या रहा, किसान पूरी तरह से चारों तरफ से पिसता जा रहा है। पानी को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, फसलों की पैदावार को ले लीजिए या फसलों की बिक्री को ले लीजिए। तो क्या लगता है किसानों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आगरा के अंदर ऐसा बनना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा मानना यह है कि जब तक किसानों का किसान आयोग नहीं बनेगा, जब तक किसान अपने जो भी पैदावार करेगा उसका मूल रखने का खुद अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक किसान बढ़ने वाला नहीं है। किसान आयोग बनना चाहिए, तभी मतलब जो है किसान की उन्नति हो सकती है। और जितना आज जो है, चलो ठीक रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जो आलू का अनुसंधान केंद्र इनने जो आगरा के लिए रखा है, इससे हमें कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं। हमको आलू खपत के लिए इनको कुछ यहाँ बनाना था, उद्योग जैसे चिप्स का, आलू के आटे का, इस तरह का कोई मतलब फैक्ट्री वगैरह लगती तो इससे किसान को लाभ होता। ये मेरठ में भी है इसका CPRI सेंटर, मैं भी इसमें 5 साल रहा हूँ, CPRI मैनेजमेंट में मेंबर रहा हूँ शिमला, तो उससे मतलब जहाँ पर खुल जाता है उससे किसान को कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग जो है स्टेट को माल देते हैं और स्टेट पर बांटती है। अगर कोई उद्योग उसको खपाने वाला बनता तो हमको लाभ मिलता। तो साथियों, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आगरा एहमदपुर विधानसभा 86 श्री केदार सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया है कि किसानों को लेकर किसान नेता भी रह चुके हैं। 10 साल तक भारतीय किसान यूनियन बहनों ने इन्होंने कार्य किया है, किसानों को लेकर अच्छा वर्चस्व रखते हैं, किसानों के वरिष्ठ नेता हैं। आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि 8 घंटे बिजली में किसानों का कोई भला नहीं हो सकता है। तो वहीं उनका कहना है कि जो लगातार रजवा है, सैपऊ भरण रजवा को लगातार सूखा है, 1 साल से उसमें पानी नहीं है। किसानों को लेकर बहुत सारे आंदोलन किए इन्होंने, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। इन्होंने कहा है किसानों के लिए जिंदा हूं और किसानों के लिए ही मरूंगा और किसानों के लिए हमेशा के लिए लड़ता रहूंगा। आइए अब इनसे राजनीति के बारे विषय में वार्ता करते हैं। तो दादाजी, राजनीति में हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, राजनीति में आपकी इतनी अच्छी पकड़ है, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आगरा से। समाजवादी पार्टी ने अभी जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल और जिला महासचिव श्री शिवराम जी यादव जी को बनाया है, 2022 में क्या तैयारियां हैं और 2022 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? मैं पार्टी अध्यक्ष को बधाई दूंगा जो आगरा में पुनः अध्यक्ष बनाए, उन अध्यक्ष और महामंत्री दोनों के लिए मैं पहले तो बधाई देता हूँ। परिवर्तन होता है पार्टियों में, एक दूसरे बनाए जाते हैं, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो 2022 में ही देख रहा हूँ कि 100% जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लोग ऊब चुके हैं इन सरकारों से और ये देख रहे हैं कि कौन किसानों का भला कर सकता है, कौन किसानों के साथ रह सकता है, कौन किसान की बात कर सकता है। तो ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह और अखिलेश जी के अलावा इस समय किसानों की बात करने वाला कोई नहीं रहा है। ये सरकारें हमने देख ली, 10 साल ऊपर वो देख ली, 5 साल अभी ये चल रही है, इसमें देख रहे हैं आप हालत ही कुछ खराब है। मैंने सब कुछ बता दिया, आगे 2022 हमारी है और हम बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं जो हमारे लगे हुए सारे बूथ स्तर तक की कार्रवाई में संगठन खड़ा कर रहे हैं, 1 बूथ 10 यूथ बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमारा समय होगा और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में निश्चित बनेगी। क्या लगता है आपको एहमदपुर विधानसभा से कैंडिडेट की लिस्ट कब तक घोषित हो जाएगी और चुनाव प्रचार आपका चल रहा है या कब से स्टार्ट होने वाला है? चुनाव प्रचार तो अंदरूनी हमारा चल ही रहा है और कोरोना की संकट की वजह से
कोई सभाएं वगैरह नहीं हो सकती है, उसकी वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां अंदर ही अंदर अपना अपना प्रचार कर रही हैं। और ऐतवार विधानसभा से टिकटार्थी तो हम भी हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन नेता जिसको भी टिकट देगा वो हम उसके साथ रहेंगे, हमें देगा तो हम लड़ेंगे और दूसरे को देगा तो उसको लड़ाएंगे। ये हम जो रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ ही, और मतलब जो है हम इसी तैयारी, हमारी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल वक्त चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मतलब वहाँ से ऐलान कर दिया है कि आप 2022 की सब लोग तैयारियाँ जुट जाएँ। दादाजी अगर बात की जाए आगरा जिले की, तो आगरा जिले में 9 विधायक हैं वो भी भाजपा के हैं, 2 सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं, ऐसा लगता है कि पूरा आगरा पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में 2022 में कहीं ना कहीं देखा जाए तो टक्कर कांटे की रहने वाली है। ऐसा होता है, राजनीति है, इसमें सब कुछ हो सकता है। अभी आपने देखा होगा 10 साल पहले सब लोग जो है हॉकी पर चढ़ गए थे, उसके बाद फिर सब साइकिल पर चढ़ गए थे, उसके बाद अब सब फूल पर चढ़ गए। पहले भी इससे पहले जो सरकार रही वो भी तो पूरी जनता एक साथ स्पष्ट बहुत आई दोनों पे, तो ये कुछ कहना नहीं है। जब एक बार पूरी साइकिल आ सकती है, एक बार हाथी आ सकता है, एक बार भाजपा आई है, आगे आने वाला समय फिर साइकिल का आ गया। ये तो राजनीति है, इसमें तो सब कुछ चलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी आज सरकार कर उसी की बनी रहे, हम लोग भी सरकार रहे, हमारी कुछ कमियां रही होंगी इसलिए जनता ने हमें नहीं चुना, अब इनकी कमियां होंगी अब इनको नहीं चुनेंगे, तो ये तो सब चलता रहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। वोटर बहुत समझता है, वोटर बहुत समझता है। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को लेकर सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? किसानों के लिए तो हमेशा हमारे पार्टी करती ही है, लेकिन लक्ष्य हमारे सबसे पहले किसान के लिए पानी का, बिजली का, मजदूरों को जो है उनकी मजदूरी का, जैसे ये मनरेगा का चल रहा आजकल, तमाम उसमें अखबार में पढ़ता हूँ काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह के घोटाले इस तरह के हमारे यहाँ नहीं होंगे, बस तो मैं एक्चुअल जो है जमीन पर काम होगा और किसान के हित में ही हम लोग जो है सरकार हमारी काम करेगी। दादाजी अगर बात कर लें, हम ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक हैं, आने वाले हैं, कोरोना की वजह से कुछ चल रहा है उसमें, लेकिन अभी टाइम का कोई पता नहीं है, फिक्स समय पर होंगे या थोड़े आगे बढ़ा दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में आपके कार्यकर्ता किस प्रकार से लगे हुए हैं? ग्राम पंचायत की अपनी अपनी सब तैयारियां कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव जो पार्टी स्तर से तो नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी अंदरूनी तैयारी पार्टी का आदमी करता है और पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, वही तैयारी हम लोगों की चल रही है। दादाजी जय जवान जय किसान के नारे पर हम बात करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसान क्षेत्र से आते हैं, आप भी किसान नेता हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी विधानसभा में एक गांव लगता है चमरौला स्टेशन, उस चमरौला स्टेशन में हमने कुछ ही दिन सोशल मीडिया पर पहले देखा था एक शहीदों की स्मारक बना हुआ है, शहीदों का, उस स्मारक का कोई भी काम नहीं हुआ है, इतना है ऐसा लगता है जैसे किसी खंडर का रूप ले लिया उसने, तो क्या लगता है जवानों का सम्मान नहीं किया जा रहा है? ये भी मैं आपको बात बताऊं, 2002 से 2007 तक उस समय हम सरकार में थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, ढाई ढाई साल की सरकार बनी थी, उस पीरियड पे बाबूलाल जी पे ये हमारा विभाग था, तो गढ़ी सहजा में, और यहाँ पे उसी समय काम कराया गया था। उसके बाद आज तक किसी को याद नहीं है जवानों की, किसी को शहीद दिवस निकल गया, 26 जनवरी निकल गई, कोई देखने वाला नहीं है, कहने वाले हैं, वही बात है कि जमीन पर काम नहीं होता है, खाली भाषण होते हैं। उस समय ही ये बनवाया गया था, दोनों जगह मुझे मालूम है, मैं जिला अध्यक्ष था उसमें। तो साथियों हमारे साथ में मौजूद थे श्री केदार सिंह चौहान जी, ऐतमादपुर आगरा के वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, इन्होंने बताया है समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरह से कमर कस ली है और 2022 की भरपूर तैयारी है। उन्होंने कहा है जब उनसे वार्ता की गई कि ऐतमादपुर विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार कौन होंगे, तो उन्होंने कहा है कि राज्य के अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वही ऐतमादपुर विधानसभा का हकदार होगा। उन्होंने कहा है कि मेरा भी लिस्ट में नाम है और होना भी चाहिए, वरिष्ठ नेता है, आगरा से अलग पहचान है, सभी समाज के वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आती है, इनकी अलग पहचान है। इनकी वार्ता से आप समझ ही गए होंगे कि किसानों को लेकर और गरीब असहाय लोगों मजदूरों को लेकर कितने आगे रहते हैं। किसानों की बात करने वाला कोई नहीं होता है, जबकि देश में किसान ही सबसे आगे है। किसानों की बात करने वाले मेरा ऐसा पहला इंटरव्यू है जिन्होंने किसानों के ऊपर इतनी वार्ता की और बताया भी कि किसानों को पानी की गंभीर समस्या है, तो वही बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है
तो वास्तव में किसानों को एक खुशहाल भरी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा और 8 घंटे की जगह 24 घंटे बिजली की उचित व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं रजवाओं में पानी छोड़ने का भी आदेश दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कानासर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।